ये है मेरे पास 2023 की रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। ये वीडियो के अंदर आपको इसकी मैं टॉप स्पीड दिखाने वाला हूँ। हालांकि ये जो बाइक है ना, ये टॉप स्पीड के लिए नहीं बनी हुई है, ये इजी राइड के लिए बनी हुई है। आराम से 80 टू 90 की जो स्पीड है ना, वो आप इस पर मेंटेन कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ एंथुजियास्ट लोग हैं जिनको इसकी टॉप स्पीड देखनी है, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और हर एक गियर में आपको मैं टॉप स्पीड दिखाने वाला हूँ कि फर्स्ट गियर में कितना जाती है, सेकंड गियर में कितना जाती है, थर्ड गियर में कितना जाती है, एंड इसमें आपको एजी क्रूजिंग स्पीड कितनी मिल सकती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, लेके चलते हैं इसको राइड पे। फर्स्ट गियर में ऑलमोस्ट 50, सेकंड गियर में ऑलमोस्ट 80, थर्ड गियर में ऑलमोस्ट 100। मेरे हिसाब से फोर्थ गियर में 120 चली जाएगी, फोर्थ गियर में 120 जा चुकी है ऑलमोस्ट 120। से थोड़ी सी ऊपर जा चुके हैं, 120 समझो आप। पर अभी उसका जो पांचवा गियर है ना, वो गियर है ऑल ड्राइव गियर, मतलब आप पांचवे गियर में सिर्फ एंड सिर्फ इसका जो इंजन का स्पीड है वो कम करोगे, बाकी जो बाइक का स्पीड है वो सेम रहेगा। देखो पांचवा गियर मैंने डाल दिया है, 120 से ऊपर ये नहीं जा रही है। तो पांचवा गियर जो है इसका ओवर ड्राइव गियर है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंजन का जो आरपीएम है और इंजन की जो स्पीड है वही कम होगी, बाकी जो स्पीड है गाड़ी का वो 120 ही रहेगा, उससे ऊपर ये बाइक नहीं जाएगी। चाहे आप अगर कोई आपको दिखा रहा है 120 से ऊपर, तो ये समझ लेना कि वो आपको सिर्फ ऐसे ढलान में और स्लोप में मतलब वीडियो करके दिखा रहे हैं, उससे ऊपर ये जाती नहीं है। और ये जो स्पीड है ना, सेम चारों बाइक के लिए सेम है, मतलब हंटर है उसकी भी सेम है, मेटियोर है, एंड साथ ही साथ जो अपना क्लासिक 350 है उसका भी जो टॉप स्पीड है सेम है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो इजी क्रूजिंग स्पीड है, स्पेशली उनके लिए जो ये बाइक को यूज़ करना चाहते हैं टूरिंग के लिए, तो आपको बता दूं, देखो इसका जो इजी क्रूजिंग स्पीड है ना, ये रहेगा 80 से लेकर 90 के बीच में। सो 80 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप ये बाइक के ऊपर आराम से मेंटेन कर सकते हो, एंड वही जगह पे आपको एक प्रॉपर माइलेज मिलेगा। बिकॉज मैंने ये बाइक पे लॉन्ग राइड किया है, बहुत किया है, मतलब नॉट ये बाइक, क्लासिक पे, एंड सेम इंजन दोनों बाइक शेयर करते हैं, तो आपको जो माइलेज है ना, प्रॉपर माइलेज अराउंड 35 से लेकर 40 का माइलेज है ना, वो आपको मिलेगा 80 से 90 की स्पीड पे। अगर आप 100 प्लस पे चलाते हो ना, तो इसका माइलेज आपको बहुत कम मिलेगा। बिकॉज जब मैं राइड कर रहा था हैदराबाद से बैंगलोर की रोड पे, मैं 100 प्लस मैंने मेंटेन किया था, मुझे माइलेज आया 25 से लेकर 26 किलोमीटर पर लीटर का, एंड दैट इज़ ऑल गुड। बिकॉज ये जो बाइक है ना, ये बहुत ज़्यादा हायर आरपीएम पे चलने के लिए नहीं बनी है। इजी क्रूजिंग स्पीड जो है 80 से लेकर 90, वो अगर आप मेंटेन करोगे इस बाइक पे, तो आपको बहुत ही तगड़ा माइलेज इससे देखने को मिलेगा, मतलब आराम से 40 प्लस का माइलेज आप हाईवे पे ये बाइक से निकाल सकते हो। सो अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए और आपको ट्यूरिंग भी करना है आराम से, विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ टायर्डनेस, फटीग वगैरह फील नहीं करना है अपने आप को, और फटीग फील अपने आप को नहीं करवाना है, तो आप आराम से 80 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। या आप देखो यहाँ पे मैं 80 की स्पीड पे विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम इंजन में चला रहा हूँ, और इंजन बोल रहा हूँ ना, 80 की स्पीड पे भी इतना मतलब बटर स्मूथ है, एक मतलब इतना भी वाइब्रेशन आपको इसमें फील नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। बता चुका हूँ कि देखो ये बाइक है ना टॉप स्पीड वगैरह के लिए नहीं बनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली बाइक चाहिए और रॉयल एनफील्ड की ही बाइक चाहिए, तो आप सुपर मेटियोर ले सकते हैं, जीटी ले सकते हैं, इंटरसेप्टर ले सकते हैं, जिनमें आप आराम से 110 से लेकर 120 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। हायर सीसी की बाइक है, ट्विन सिलेंडर उनमें आपको मिलता है, तो वो बाइक्स आप ले सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जिसको ट्यूरिंग पसंद है, आप आराम से 80-90 की स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं, और ये बाइक आराम से ले सकते हो। हालांकि अगर आपको ट्यूरिंग वगैरह करना है और आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये बुलेट 350 एंड क्लासिक 350, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि अगर आपको सिर्फ एंड सिर्फ ट्यूरिंग के लिए चाहिए, आप ज़्यादा ट्यूरिंग करोगे, तो आप क्लासिक 350 लीजिए। बिकॉज उसमें हैंडल बार का जो पोजीशन है वो भी आपकी तरफ है, आप आराम से मतलब कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। उसका सीट भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर आपको सीट कंफर्ट देगा, स्पेशली आप लॉन्ग राइड करोगे, 150-200 किलोमीटर आप एक स्ट्रेच में मारोगे, तो वो टाइम पे आपको उसका सीट कंफर्ट मिलेगा। बिकॉज वहाँ पे आपको अभी जो करंटली ऑप्शन मिल रहा है, वो कस्टम सीट का भी मिल रहा है, यू नो ट्यूरिंग सीट का भी मिल रहा है, तो वो आप क्लासिक 350 पे ले सकते हैं। बाकी अगर आपको सिटी में चलाना है और आपको एक ज़्यादा प्रीमियम लुक वाली बाइक चाहिए, तो आप ये बुलेट 350 ले सकते हैं। इंजन सेम है भाई, इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, सेम गियर रेशियो है, सेम स्पीड है, एवरीथिंग इज़ टोटली सेम फॉर ऑल दी बाइक्स।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।